समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 9 बिंदुओं पर बात की। 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए। निर्वाचन के समय शांति भंग के लिए चिन्हित किए गए लोगों की सूची दी जाए। चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए। इन्हीं अन्य बिंदुओं पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने बात रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी हमको दी जाए। 40 लाख मतदाता इस तरीके के, तो उनकी सूची भी हमें दिए जाए। दूसरा, जो क्रिटिकल बूथ कह रहे हैं 25,000 से ज़्यादा क्रिटिकल बूथ, वो क्रिटिकल बूथों की भी सूची समाजवादी पार्टी या राजनीतिक दलों को दी जाए, क्रिटिकल बूथों। तीसरा, एक मतदाता का अनेक बूथों में नाम है, किसी का 3 जगह है तो किसी का 4 जगह है तो किसी का 2 जगह है, किसी का 5 जगह है। हर विधानसभा में 10,000 से 15,000 तक मतदाता इस तरीके के डुप्लीकेसी के हैं, उन मतदाताओं को छाटा जाए। जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले हुआ, लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और केंद्र के जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको भी हमने सूची दी थी कि विभिन्न मतदाता सूचियों में 3-3, 4-4 बार एक एक मतदाता का नाम है, ऐसा छाटा जाए। लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, इस कार्य को किया जाए और फर्जी मतदाता डुप्लीकेसी जिनका 3 बार नाम है उन नामों को हटाया जाए, चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, आचार संहिता का पालन हो। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हुकूमत में लगातार धन का दुरुपयोग हो रहा है और पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, सरकारी धन से पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जा रही है। रोडवेज की बसें लगा करके जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पर रोडवेज की बसें लगा लगा करके लोगों को जबरदस्ती लाया जा रहा है।